जुनैद आरिफ साहब, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? यहाँ तो कहा जा रहा है कि बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था फैसला, इससे तो भाईचारा बढ़ेगा। देखिए, अगर भाईचारे की चाहत है, सबसे बड़ी बात, तो मैं इस बात की का स्वागत ज़रूर करता हूं कि भाईचारे की चाहत है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें भाईचारे की ज़रूरत है, और अब इसके लिए क्या कार्य करना चाहिए ये समझने की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने अपनी आस्था के अनुसार कहा, मैं एक सवाल इनके सामने ज़रूर रख रहा हूँ। क्या उन लोगों से इन्होंने सवाल रखा है जिनका नाम अल कबीर है और मालिक हिंदू हैं? क्या उन लोगों से सवाल किया है जिसका नाम अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है और नाम और मालिक सुनील कुमार जी हैं? ऐसे ही अनूर है, ये प्योर इस्लामी टर्म्स हैं, और इसके बावजूद रखा है। क्या सबसे पहले उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था? ये तो अपनी आस्था सबसे पहले तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए, फिर कहीं और की बात जाती है। ऐसा क्यों है कि ख़ास समय और ख़ास मौके से ऐसा किया जा रहा है? मैं एक अपील करता हूँ कि भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो वहां पर मुसलमान हैं वो कुछ दिनों के लिए वो फल बेचना बंद कर दें, ताकि कम से कम ये ना नजर आए कि हिंदू और मुसलमान बटे हुए हैं। मैं तो इतनी बड़ी, मैं तो उनके रोजगार के हवाले से बात कर रहा हूं, और हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। रुके शास्त्री जी, एक एक करके बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना होगा, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। मोहम्मद फैज खान साहब, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना कि ठीक है, इस पर हर कोई अग्री करता है कि सौहार्द बने रहना चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके के फैसले लेते हैं तो कष्ट तो होता होगा ना, कि ऐसे ही चूंकि आपको समर्थन करना है तो आप समर्थन कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यसरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन निसानी यफ़क़हू कौली। प्रतिमा मिश्रा जी, हम सब की बात करें और आपकी भी बात करें, हम सब ने स्कूल में एडमिशन लिया था तो हम सबको एक कार्ड मिलता था और हम वो गले में लटका कर घूमते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये बताना कि मोहम्मद फैज़ खान मुसलमान है और प्रतिमा मिश्रा हिंदू है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं था। मैं नोएडा में घुसा, तमाम इंस्टीट्यूशन के बच्चे घूम रहे हैं, सबके छाती पर उनका नाम लिखा हुआ है। मैं इस स्टूडियो के अंदर घुसा, जो गार्ड साहब खड़े हुए हैं उनकी छाती में भी नाम लिखा हुआ है, जो काउंटर में बैठे हैं उनकी छाती पर भी नाम लिखा हुआ है। टीटीई ट्रेन में टिकट चेक करने आता है उसके पास भी नेम प्लेट लगा होता है। पायलट, हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, एयर होस्टेस, उनकी छाती में भी नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो चारों तरफ बंदूक लेकर खड़े रहते हैं सुरक्षा में, यहाँ पर भी कुछ लोग सुरक्षा पाए हुए हैं, उन सुरक्षा कर्मियों की भी छाती पर उनका नाम लिखा रहता है। इसका उद्देश्य उनकी जाति धर्म समुदाय खोजना नहीं होता है, अपितु सुरक्षा कर्मी की एक पहचान बताना होता है कि इस नंबर का सुरक्षा कर्मी है। कभी होनी हो या अनहोनी हो तो उसका रक्त समूह भी लिखा जाता है। ये रक्त समूह में बांटना नहीं होता है, जाति धर्म में बांटना नहीं होता, इस बात को समझ जाइए। दूसरी बात, धार्मिक दृष्टिकोण से अब समझिए। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्चा स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक सनातनी के घर जब भोजन बनता है तो एक माता या एक पिता यह मंत्र पढ़ती है, फिर भोजन बनता है, फिर भोजन खाया जाता है। एक मुसलमान के लिए जब कोई जानवर ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसे ज़िबा किया जाता है। ये सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कोई भी मुसलमान झटके का गोश्त या किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा, और कोई जोर भी नहीं देता कि भाई तू झटके का खरीद, तू बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर जो हलाल किया गया है वही खा, हम तुझे जोर नहीं दे रहे। तो फिर सनातनी भाइयों को बार बार ये जोर क्यों दिया जा रहा है कि मुसलमान की दुकान है तो आप उसी से खरीदो, वो कहीं से भी खरीदना चाहता है। यदि वो नाम देखकर चाहता है कि भाई साहिल नाम है, अमन नाम है, अब वास्तविक मालिक कौन है, या फिर अल कबीर नाम है, वास्तविक मालिक कौन है, मैं उसकी पहचान देखकर खाऊंगा, तो पहचान सामने लिख दी जानी चाहिए कि सुरक्षा करनी, या फिर दूसरे लोगों की छाती पर लिखा जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रतिमा जी कि अल कबीर के भी जो ऑनर है उनके यहाँ भी प्रोपराइटर का नाम लिखवाया जाए। जुनैद हरी साहब, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, आई अप्रिशिएट your views
कि अल कबीर के जो संचालक और अन्नूर और बिस्मिल्लाह और अरेबिक नाम से जो हिंदू मालिक है उनके भी नाम एक्सपोज होने चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है साजिद रशीदी साहब, आपका जवाब चाहूंगी। कुल मिलाकर यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ये तो केवल आइडेंटिटी है और आपकी आइडेंटिटी अगर आप सार्वजनिक कर दे तो उसमें बुरा क्या? नहीं आइडेंटिटी नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। गाजियाबाद में एक जगह है मोहन नगर, मोहन नगर में एक दरगाह है दादा कादरी के नाम से। वो हर साल जो है कावड़ यात्रियों के लिए एक प्रोग्राम करते हैं और बाकायदा परमिशन के साथ करते हैं, उनके खाने का पानी का इंतजाम करते हैं। इस साल जब वो एसएसपी साहब के पास गए और उन्होंने अपनी परमिशन लगाई तो वहाँ जो एसएसपी हैं उन्होंने बाकायदा ये मेरे पास आ गई है कॉपी उसकी, उन्होंने बाकायदा ये लिखकर मना कर दिया कि मुसलमान अगर कावड़ यात्रियों को खिलाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुसलमान इस तरह का कोई इंतजाम करें। ये कॉपी है मेरे पास, मैं फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए जब ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मुसलमान अगर कांवड़ यात्रियों को खिलाएगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे, तो आम आदमी के जहन में क्या बात जाएगी जब नाम लिखा होगा कि रशीदी टी स्टॉल है, रशीदी भोजनालय है, रशीदी फला है, तो वो खरीदेगा उसे? नहीं खरीदेगा, ये सच्चाई है। दूसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, मैडम मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ, आपके स्टूडियो में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका नाम विपिन है और वो मुसलमान नाम से जाने जाते हैं, मैं खोलना नहीं चाहता, चिढ़ जाएंगे, बात लंबी चली जाएगी। नाम विपिन है, हिंदू है, ठीक है, पर्सनल मत होइए, आप टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर, उस पर बात नहीं करना चाहता। ये जब ट्रांसपेरेंसी की बात है सब जगह होनी चाहिए ना। मैं कहता हूं कि आप जो है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, चूंकि राइट टू फूड है मेरा, मैं जब अपने घर से निकलूं मुझे ये राइट है, मैं किसी की दुकान से लूं किसी की दुकान से ना लूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये मेरा अधिकार है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों का तर्क ये है कि साहब मुसलमान जो है इस कावड़ यात्रा में सावन के पवित्र महीने में पवित्रता के साथ खाना नहीं बनाते, वो नॉन वेज खाते हैं। ये बड़ा बड़ा सवाल है, घूम रहा है, बाकायदा डिबेटें हो रही हैं इस पर। मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम के सामने। सरकारी आंकड़ा है कि 70% लोग इस हिंदुस्तान में मांसाहारी हैं, 70%, और मुसलमान है 18 से 20%, तो 50% जो लोग हैं ये मेरे हिंदू भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी वैष्णो ढाबा खोले बैठा है, उसका मालिक अगर नॉनवेज खाता है, उसके कारीगर अगर नॉनवेज खाते हैं और वो रात में उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज बनाते हैं और खाते हैं और सुबह को उन्हीं बर्तनों को धोकर बिना प्याज लहसुन का मेरे कावड़ी भाइयों को परोसते हैं, तो इसकी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है।